प्रदेश में पंचायत चुनाव के वोटर पुनरीक्षण के बीच इलेक्शन की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में भी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वोटिंग के लिए सालों से बेकार पड़ी मत पेटिकाओं की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शासन से निर्देश मिलते ही मत पेटिकाओं का रंग रोगन काम शुरू हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार भी पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के संकेत हैं। ऐसे में मत पेटिका की जरूरत होगी। वहीं कौशाम्बी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत में विकास खंडवार मत पेटियों की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी है। निर्देश के बाद ब्लॉकों में तैनात सहायक विकास अधिकारी उपयोगी मत पेटियों की संख्या की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बता दें कि इस समय राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देश पर ग्राम पंचायत निर्वाचन नामावली का वृहद पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। 12 नवंबर तक बीएलओ घर घर जाकर नए मतदाताओं को जोड़ने व मृतक मतदाताओं का नाम विलोपन का कार्य करना है। तैयार पुनरीक्षण सूची कंप्यूटर में फीडिंग कर 29 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।